Yes, welcome my dear students. Yes class, today we are going to start our chapter number 35, parts of a computer. Chapter 36, we use computer. Art chapter number 37, solve the maze. Yes class, now class, let us start chapter number 35, parts of a कंप्यूटर. अभी तक आप लोगों ने क्लास 34 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया है. ठीक है, आप लोगों के एग्जाम में भी 34 तक आया होगा. आई होप आप लोगों ने उसको अपना कॉपी वर्क भी कंप्लीट कर लिया होगा. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 35, पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर. यस क्लास, हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर क्या होती है. कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. ये एक मशीन होती है जो इलेक्ट्रिक से चलती है. ये आपका इंसान के कंपैरिजन ये फटाफट आपका स्पीडली ये वर्क कर लेता है. कोई भी कैलकुलेशन हो, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो, कंप्यूटर क्या करता है, तुरंत उसको सॉल्व आउट कर देता है. हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर्स में बहुत से पार्ट्स होते हैं. कंप्यूटर एक सिंगल पार्ट नहीं होता है. कंप्यूटर में हम देखते हैं माउस भी होता है, जो कि क्या करता है, कर्सर को मूव करने में हमारी हेल्प करता है. कीबोर्ड होता है. कीबोर्ड से हम क्या करते हैं, कुछ भी टाइप करना होता है तो उसमें कीज़ बने होते हैं, हम उसी में से टाइप करते हैं तो कंप्यूटर में वो प्रिंट होता है. फिर इसी तरीके से कुछ वायर्स होते हैं. सीपीयू होता है, जो कि क्या होता है, हमारा ब्रेन होता है कंप्यूटर का, क्योंकि सारी चीज़ें उसी में स्टोर्ड होती है. ठीक है, इसी तरीके से कंप्यूटर्स में बहुत से पार्ट्स होते हैं. तो इस चैप्टर में हम उन्हीं पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके क्लास, नाउ लेट अस स्टार्ट. यहाँ पे आप देख रहे हैं कंप्यूटर के पार्ट्स लिखे हुए हैं, जैसे कि मॉनिटर है, सीपीयू है, कीबोर्ड है एंड माउस दिया हुआ है. और यहाँ पे देखिए फिगर गिवन है, तो इन्हीं फिगर से हमको इनको मैच करना है. मॉनिटर अब क्या होता है क्लास, तो मॉनिटर क्या होता है, जो स्क्रीन होती है, हम लोग कंप्यूटर की जो स्क्रीन देखते हैं, टीवी जैसा जो दिखता है, वो क्या होता है, वो मॉनिटर होता है, जो कि सी पे देखिए बना हुआ है ना. ये टीवी की तरह दिखता है, तो ये क्या हो गया, मॉनिटर. हम कुछ भी काम, कुछ भी वर्क करते हैं तो इस मॉनिटर में हमको वो चीज़ शो होता है. फिर नेक्स्ट हमारा आता है सेकेंड सीपीयू. अब सीपीयू क्या होता है, तो सीपीयू हम देखते हैं कि एक कंप्यूटर मॉनिटर के बगल में एक ऐसा बना रखा होता है, इसे हम सीपीयू कहते हैं. तो इस सीपीयू का क्या वर्क होता है, तो इस सीपीयू में सारी इंफॉर्मेशन क्या होती है, कंप्यूटर में स्टोर्ड होती है इसी सीपीयू में ही. तो इसीलिए हम सीपीयू को क्या कहते हैं, सीपीयू को हम कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, क्योंकि कंप्यूटर अपने आप वर्क नहीं करता. इसी के अंदर कुछ डेटाज वगैरह सेव होते हैं, कुछ इसी से वो वर्क आउट करता है. ठीक है ना, द थर्ड वन इज, थर्ड आपका दिया हुआ है, थर्ड आपका दिया है कीबोर्ड. अब कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड आपका लाइक इस तरीके का होता है, उसमें कीज़ बने होते हैं. देख रहे हैं काफ़ी इसमें कीज़ बने हैं, 1 2 3 4 9 तक बना हुआ है. ए बी सी डी अल्फ़ाबेट लेटर्स बने हैं, प्लस माइनस का भी यहाँ आपका अर्थमेटिक के भी साइंस बने होते हैं. तो इसका मतलब कंप्यूटर आपके मैथमेटिकल कैलकुलेशन को भी सॉल्व करने में हमारी हेल्प करता है. तो कीबोर्ड होता है, तो कीबोर्ड कहाँ पे है, ये देखिए आपका डी पे बना हुआ है कीबोर्ड. ठीक है, तो हमें कीबोर्ड डी से हम मैच करेंगे. ठीक, कीबोर्ड हमने मैच करा डी से, मॉनिटर मैच किया सी से, सीपीयू हुआ आपका ए पे. ठीक है, तो इसी तरीके से आपके पार्ट्स हुए. फिर नेक्स्ट आपका पार्ट आता है माउस का. अब माउस तो हम लोग जानते हैं, तो माउस क्या होता है, एक छोटा सा ये देखिए यहाँ पे बना हुआ है. इस माउस को हम हिला करके मूव करके हमें जो भी चीज़ें कर्सर ले आना होता है मॉनिटर पे, तो हम इसी माउस की हेल्प से करते हैं. इसी माउस को हम वहाँ पे क्लिक करते हैं. जैसे कि आजकल मोबाइल हो गया है, ज़्यादातर लोग अपना ज़्यादातर वर्क कंप्यूटर की बजाय मोबाइल पे यूज़ करते हैं, तो वो क्या करते हैं, टच करते हैं, तो वहाँ पे वो फंक्शन हो जाता है. लेकिन जब कंप्यूटर हम यूज़ करते हैं, तो हम माउस की हेल्प से उसको ऐसे ऐसे मूव करके वहाँ क्लिक करते हैं, तो वो वर्क होता है. ठीक है क्लास, तो इस तरीके से हमारे हो गए ढेर सारे कंप्यूटर के पार्ट्स. ठीक है, यहाँ पे देखिए, आप देखिए फैक्ट फाइल दिया है, कंप्यूटर इज़ अ मशीन डेवलप्ड बाय मैन.
विच वर्क ऑन मैंस ऑर्डर, यानी कि कंप्यूटर एक मशीन है जिसको किसने बनाया है, हम इंसानों ने बनाया है। क्यों बनाया है? कि ताकि हमारे ऑर्डर्स को वो कर सके, हम जो वर्क उससे करवाना चाहते हैं वो वर्क वो करें। ठीक है, अब यहाँ थिंक एंड आंसर दिया है, नेम द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट इज ऑल्सो द नेम ऑफ एन एनिमल। अब यहाँ पे हम लोगों ने पार्ट्स पढ़ा, ठीक है, तो इसमें से ऐसा कौन सा पार्ट्स है जो किसी एनिमल से मैच करता है? मॉनिटर, मॉनिटर नहीं है। सीपीयू, ये भी किसी एनिमल से रिलेटेड नहीं है। कीबोर्ड, कीबोर्ड भी किसी एनिमल से रिलेटेड नहीं है। माउस, माउस हम सब जानते हैं कि माउस क्या होता है, एक एनिमल का नेम होता है, चूहा जिसे हम कहते हैं, जो हमारे कपड़े कुतर डालता है ना। तो ये किससे आपका है? माउस आपके कंप्यूटर का एक पार्ट भी है और एक एनिमल का नेम भी है। ओके, फिर क्लास यहाँ पे देखिए कीबोर्ड बना हुआ है ना। तो आपको करना क्या है, इन द गिवन कीबोर्ड कलर द नंबर कीज विद द ब्लू। जितने नंबर कीज यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 इस तरीके से 12 तक जो भी नंबर्स दिए हैं, उनको आपको ब्लू कलर से क्या करना है, कलर करना है। फिर नेक्स्ट आपका दिया हुआ है द लेटर्स की, लेटर की यानी कि जो ए बी सी डी अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं उनको आपको करना है पिंक कलर से। और जो ये देखिए यहाँ स्पेस बार गिवन है, तो इस स्पेस बार को आपको करना है रेड कलर से। और एंटर की, जो ये एंटर की होता है यहाँ पे, इसको आपको करना है येलो कलर से। ठीक है, तो इस चैप्टर को आप कर लीजिएगा अपनी बुक में। ओके, नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 36, वी यूज़ कंप्यूटर। यस क्लास, अभी हम लोगों ने देखा कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जो कि हर जगह यूज़फुल होता है। ये ऐसा मशीन है कि आप हर जगह इसको देखते हैं, आप अपने स्कूल में भी देखते होंगे, बैंक में भी देखते हैं, ऑफिस में भी देखते हैं। ये क्या करता है, बहुत सी इंफॉर्मेशन अपने अंदर ये स्टोर करके रखता है। इस वजह से हम क्या करते हैं, बहुत सारी फाइलों को बनाने की बजाय हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर अपनी बहुत सारी फाइल्स को, डॉक्यूमेंट्स को हम क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। जैसे कि हम अपने मोबाइल्स में नहीं करते हैं, हमने गाने को भी सेव कर लिया, मूवीज़ को भी सेव कर लिया, गेम्स को भी सेव कर लिया। इसी तरीके से हमारे कंप्यूटर में भी ढेर सारी इंफॉर्मेशंस क्या हो जाती हैं, सेव हम कर लेते हैं, जिससे कि क्या होता है, ढेर सारा पेपर वर्क ख़त्म हो जाता है, बहुत सारे पेपर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो काफ़ी यूज़फुल होता है। तो कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है, फर्स्ट हम देखते हैं बैंक में। बैंक में जब भी हम जाते हैं, सारे स्टाफ के लोगों के पास एक एक कंप्यूटर होता है, उसी कंप्यूटर्स में वो क्या करते हैं, कस्टमर्स की एंट्री करते हैं, वो जो पैसे निकालते हैं या पैसे जमा करते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन वो क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर में सेव करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका आता है ऑफिस। ऑफिस में भी इसका बहुत यूज़ होता है। ठीक है, ऑफिस में भी हम इसको देखते हैं कंप्यूटर को। फिर नेक्स्ट हमारा आता है शॉप्स में, आजकल लोग दुकानों में भी इसका, जैसे मॉल में चले जाइए, डिपार्टमेंटल स्टोर में चले जाइए, बड़ी बड़ी शॉप्स में अगर आप चले जाइए तो वहाँ पे भी लोग कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। फिर एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, टिकट बुक करना हुआ, टिकट का प्रिंट आउट निकालना हुआ, पासपोर्ट निकालना हुआ, बनाना हुआ, इस तरीके के वर्क को ये हैंड वर्क करता है। फिर हॉस्पिटल्स में भी हम देखते हैं, तो हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स के से रिलेटेड और मेडिसिन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन वो कंप्यूटर में सेव करके रखते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है रेलवे स्टेशंस, जैसे एयरपोर्ट में होता है वर्क, उसी तरीके से हमारे रेलवे स्टेशंस में भी होता है। 7 हम अपने स्कूल में भी देखते हैं कंप्यूटर है, क्वेश्चन पेपर बनाना हुआ, प्रिंट करना हुआ, बच्चों के सारे डेटास को स्टोर करना होता है, उनकी इंफॉर्मेशंस को, तो हम अपने कंप्यूटर में ही सेव करते हैं। फिर होटल में भी देखते हैं, तो होटल में भी कंप्यूटर से वर्क होता है। ठीक है, अब हम लोगों को मालूम चल गया कि कंप्यूटर्स हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। फिर यहाँ पे क्या फैक्ट फाइल गिवन है, अ कंप्यूटर वर्क वेरी फास्ट, ये बहुत फटाफट काम करता है, इट कैन डू मैनी जॉब्स एट द सेम टाइम, एक साथ ये कई वर्क कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, फिर यहाँ देखे दिया है कैन कंप्यूटर वर्क विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, यस और नो। आपको पता है कंप्यूटर बिना इलेक्ट्रिसिटी के नहीं यूज़ किया जाता, इसके लिए हमको पावर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसीलिए हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है ये। फिर दिया है यहाँ पे
कंप्यूटर शुड ऑलवेज बी फ्री ऑफ, यहाँ पे कुछ ब्लैंक करके दिया हुआ है। आपको पता है कंप्यूटर को ज़्यादा छेड़छाड़ करने से क्या हो जाता है, उसमें वायरस आ जाता है। तो वायरस आ जाने की वजह से हमारे कंप्यूटर के डेटा क्या होते हैं, कभी कभी रिमूव हो जाते हैं, या तो फिर क्या हो जाता है, हमारा कंप्यूटर सिस्टम हैंग कर जाता है, जिसकी वजह से हम अपने सिस्टम को स्लो कर देता है, वो कंप्यूटर सिस्टम को वर्क नहीं करता। तो इसलिए हमेशा हमारे कंप्यूटर को वायरस से फ्री रखना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा वायरस की स्पेलिंग। ओके क्लास, नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट 37 चैप्टर, सॉल्व द मेज। यस, यहाँ पे देखिए इस तरीके का हम लोग बहुत से गेम खेलते होंगे, बहुत से पजल्स सॉल्व करते होंगे, है ना। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ एक बॉय दिया हुआ है, एक यहाँ पे बस बनी हुई है। आपको क्या करना है, हेल्प द बॉय रीच द स्कूल बस। इस बॉय को आपको इस मेज से सॉल्व करते हुए इसको स्कूल बस तक पहुँचाना है। तो हम लोगों ने कुछ इस तरीके से इसको सॉल्व किया और वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गया अपनी बस पे, ठीक है। फैक्ट फाइल यहाँ दिया हुआ है, मेज आर अ बिल्ड विद वॉल एंड रूम्स विद अ हेज बुक्स एंड प्लेइंग स्टोन्स। यानी कि मेज क्या होता है, ये देखिए इसी तरीके को हम कहते हैं, वॉल्स बने होते हैं, रूम्स बने होते हैं, लाइंस बनी होती हैं, ठीक है। इफ़ यू वॉक फ्रॉम योर हाउस टू द नियरेस्ट पार्क, हाउ मेनी टाइम डू यू टेक टर्न। अगर आप अपने घर से अपने पार्क की तरफ जा रहे हैं तो आपको बताना है कि आप कितने टर्न टाइम वो करते हैं, आप राइट गए फिर लेफ्ट गए फिर राइट लेफ्ट, कितनी बार आप इस तरीके से टर्न करते हैं आपको यहाँ पे लिखना है। फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सी द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई द फेमस बिल्डिंग ऑफ मेज इन लखनऊ। यहाँ पे देखिए ये लखनऊ का ये मेज दिया हुआ है, ठीक है। आपको क्या करना है, इसका नाम बताना है। तो इसका नाम क्या है, 12 इमाबा। यहाँ पे भी बहुत सारे रूम्स बने हुए हैं, मेज बने हुए हैं, ठीक है। ओके क्लास, तो आई होप यू ऑल आर क्लियर एंड थैंक यू फॉर टुडे क्लास।